गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 8, टेडी बियर। ओके, तो ये पोएम है टेडी बियर। तो आप सबके पास टेडी बियर तो होगा ना। टेडी बियर बहुत ही अच्छा होता है और हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पूरी पोएम जो है वो टेडी बियर के ऊपर है। स्पॉट फोर डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेडी बियर। ओके, तो इन दोनों टेडी बियर में देर आर फोर डिफरेंस। तो वो क्या है तो वो हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट टेडी बियर है इज वेयरिंग अ बो ऑन हिज हेड एज यू कैन सी। ओके, बट द सेकेंड डज नॉट वेयर इट। इसने नहीं पहनी है और इसने बो पहनी है उसके हेड पे। द फर्स्ट टेडी, सेकेंड डिफरेंस है, द फर्स्ट टेडी बियर इज ड्रेस्ड इन अ पिंक ड्रेस। ओके, पिंक ड्रेस पहना है, बट द सेकेंड वन इज ड्रेस्ड इन ब्लू। ओके, थर्ड डिफरेंस है, द फर्स्ट टेडी बियर डज नॉट हैव बो अराउंड इट्स नेक। ओके, यहाँ पे बो नहीं है, बट द सेकेंड वन डज। इसके पास बो है और इसके पास बो नहीं है। द फोर्थ डिफरेंस इज द फर्स्ट टेडी बियर हैज़ अ बलून इन हिज हैंड वेयर द सेकेंड डज नॉट हैव एनी बलून ऑन इन हिज हैंड। ओके, तो ये चार डिफरेंस है। अब ये पोएम हम पढ़ते हैं। टेडी बियर टर्न अराउंड, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर पैट योर नोज, टेडी बियर स्क्वीज योर टोज, टेडी बियर क्लाइंब द स्टेयर्स, टेडी बियर से योर प्रेयर्स, टेडी बियर टर्न ऑफ द लाइट, टेडी बियर गुड बाय एंड गुड नाइट। ओके, तो ये पोएम है टेडी बियर के बारे में। तो पहले टेडी बियर टर्न अराउंड यानी कि घूम जाओ, सर्कल ले लो एक, घूम जाओ। टेडी बियर टच द ग्राउंड। ओके, टच द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड को टच करो। ओके, उसे छुओ। टेडी बियर पैट योर नोज, पैट करना यानी कि थपथपाना, नोज को टैप करना, तो नोज को थपथपाओ। टेडी बियर स्क्वीज योर टोज, स्क्वीज करना यानी कि अपने टोज को प्रेस करना, हमारे पैर में जो टोज होते हैं उन्हें प्रेस करना। टेडी बियर क्लाइंब द स्टेयर्स यानी कि जो स्टेयर्स होते हैं उन्हें क्लाइंब करना। ओके, चढ़ना, क्लाइंब करना यानी कि। टेडी बियर से योर प्रेयर्स। ओके, प्रेयर्स करने के लिए कहा है, प्रार्थना करने के लिए कहा है। टेडी बियर टर्न ऑफ द लाइट। ओके, लाइट बंद किया। टेडी बियर गुड बाय एंड गुड नाइट। अभी टेडी बियर ने लाइट को टर्न ऑफ कर दिया, अभी वो सो गए, इसलिए गुड बाय और गुड नाइट कह दिया। ओके, यहाँ पे राइमिंग वर्ड है नोज रोज से डे। ग्लोसरी है पैट, तो इसका मीनिंग है टैप। स्क्वीज, उसका मीनिंग है प्रेस। क्वेश्चन है व्हाट शुड द टेडी बियर से, तो टेडी बियर शुड से हिज प्रेयर। ओके, टेडी बियर्स को प्रेयर्स करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन है व्हाट शुड टेडी बियर स्क्वीज, तो टेडी बियर मस्ट स्क्वीज हिज टोज। टेडी बियर को क्या स्क्वीज करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, तो उसे अपने टोज को प्रेस करना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं आंसर, टेडी बियर मस्ट स्क्वीज हिज टोस। नेक्स्ट है व्हाट शुड टेडी बियर डू टू इट्स नोज। ओके, उसको अपने नोज के साथ क्या करना चाहिए, तो टेडी बियर मस्ट पैट हिज नोज, नोज को पैट करना चाहिए, थपथपाना चाहिए। ओके, तो टेडी बियर शुड पैट हिज नोज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट शुड टेडी बियर डू बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, टेडी बियर को क्या करना चाहिए सोने से पहले, तो टेडी बियर शुड से हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, रात को सोने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, तो टेडी बियर शुड से
say his prayers before going to bed. Okay, name the two wishes given in the poem. Okay, तो दो wishes के नाम बताइए. तो एक तो है गुड बाय और दूसरी है गुड नाइट. ओके, ये दो विशेज है. हम विश करते हैं ना, गुड बाय विश करते हैं, गुड नाइट विश करते हैं, तो ये विश है. तो देर आर टू, गुड बाय एंड गुड नाइट. ओके, आर द टू विशेज इन द पोएम. अभी एक्टिविटी है, इन द फॉलोइंग पिक्चर यू हैव मदर बियर एंड फादर बियर. Draw baby bear in your notebook. Color baby bear's dress with bright color. Okay, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, दो pictures दिए गए हैं, ये mama bear है और ये father bear है. तो आपको क्या करना है, baby bear को draw करना है अपने notebook में. ये आपको homework करना है और ये activity आपको सभी को करनी है. Okay, अपनी notebook में एक baby bear draw करना है और उसे अच्छी तरह से color करना है और bright color का use करना है और pencil color से ही ये करना है. ओके, ये भी होमवर्क है, ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट है, व्हाट एक्शंस वुड यू डू फॉर द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट है ड्रिंक योर जूस. ओके, फ्लाई लाइक अ बर्ड, टच द स्काई, टच योर नीम. ओके, तो इनमें से आप क्या एक्शन करेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या एक्शन करना चाहते हैं. ओके, तो ये एक्शन मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊंगी कि आपको जूस पीने की एक्शन करनी है, फिर बॉडी की तरफ, बॉडी कैसे फ्लाई करते हैं वैसे ही एक्शन करनी है, फिर स्काई को टच करने की एक्शन और नी को टच करने की एक्शन करनी है. नेक्स्ट है ग्राउंड एंड राउंड, राइम विथ ईच अदर, फाइंड अ वर्ड दैट इज हिडन इन द टू वर्ड्स. ओके, इट्स अ शेप. तो ग्राउंड और राउंड दोनों में क्या आता है, कॉमन राउंड, राउंड. ओके, तो राउंड है इसका आंसर और वो शेप भी है. ओके, ऐसा ये राउंड शेप. ओके, तो यहाँ पे ये हमारा यूनिट नंबर 8 टेडी बियर फिनिश होता है. आपको होमवर्क क्या करना है फिर से बता देती हूँ. कॉम्प्रिहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है और बेबी टेडी बियर को नोटबुक में ड्रॉ करना है और अच्छी तरह से कलर करना है. थैंक यू.